हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, आज बात करते हैं DNS और ऑपरेशन की ज़रूरत। क्या मुझे DNS है तो क्या मुझे वो ऑपरेशन कराना है? पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ENT से रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आई एम ए नोज सर्जन। मेरे पास नोज से रिलेटेड पेशेंट आते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन होता है, टेलीफोनिकली कॉल करते हैं लोग, सर मुझे DNS है, क्या मुझे ऑपरेशन कराना है? दोस्तों, पहले हमें ये समझना है कि ये DNS क्या है और कब मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है और कब मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको DNS है तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही है। दोस्तों, DNS से पहले हमें नॉर्मल, DNS का फुल फॉर्म है डेविएटेड नेजल सेप्टम, DNS। तो डेविएटेड को अगर हम हटाते हैं तो नॉर्मल सेप्टम, नेजल सेप्टम, जो हमारा नेजल सेप्टम क्या है पहले हमें जानना होगा। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स का एक सवाल होता है, सर मेरे दोनों नाक का ऑपरेशन होगा या एक ही नाक का ऑपरेशन होगा? सो दोस्तों, जो हमारा गॉड ने जो नोज बनाया है वो दो नोज नहीं है, वो नोज एक ही है, उसको आप अलग मत कीजिए। एक नोज की कैविटी है जिसको एक पार्टीशन से गॉड ने क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो दीवार और जो पार्टीशन है उसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, नेजल सेप्टम, नाक का पर्दा, नाक की हड्डी। सो ये जो ये सेप्टम है, आइडियली दोस्तों ये एग्जैक्ट ऑन द मिड लाइन, जैसे किसी रूम के अंदर एक एग्जैक्ट मिड लाइन में एक दीवार बना दी जाए और दोनों तरफ बराबर जो है वो स्पेस होना चाहिए। ये गॉड ने दोस्तों इसलिए किया है कि हमारा गॉड ने जो बॉडी बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है कि हमारे यहाँ नेजल वॉल होते हैं, हमारा साइक्लिक ब्रीदिंग चलता है, कुछ समय हमें इधर से ब्रीदिंग होती है और जब इधर से ब्रीदिंग होती है तो ये पार्ट हमारा रेस्ट कर लेता है और कुछ टाइम हमारे को ऐसे हमारे नोज में एक नेजल साइकिल चलती है। अब दोस्तों, इस सेप्टम में बहुत बार क्या है कि ये जो एग्जैक्ट मिड लाइन में नहीं होगी, ये या तो राइट साइड में झुका हुआ होता है या ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, या इसका पीछे का पार्ट झुका हुआ होता है या इसका आगे का पार्ट झुका हुआ होता है। सो इसको हम ओवरऑल जो है वो DNS यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। अब देखा ये दोस्तों ये जाता है कि ये जो DNS की जो प्रॉब्लम है इससे हमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जैसे पेशेंट हमारे पास आया, हमने देखा DNS है या किसी और कारण से भी आपने जो है वो चेहरे का सीटी स्कैन या एक्सरे कराया, उसमें DNS मेंशन है, तो उसमें तो आपको किसी ने बोला कि ये तो DNS है, आपको सर्जरी करा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा ये शरीर है, इसमें हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर क्लिनिकली हमें अफेक्ट नहीं करती जब तक उसको एक्टिवली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी अपेंडिक्स है, हर आदमी को अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल एक ऑर्गन है या जो भी है पड़ा हुआ है, बट किसी को अगर अपेंडिसाइटिस हो जाती है, उसमें पेन होता है, अगर वो इन्फेक्टेड होती है तो वी रिमूव इट। सेम हमारे DNS के साथ है, उस नेजल सेप्टम के कारण उस पेशेंट को एयरवे ब्लॉकेज रहता है, उस पेशेंट्स को सांस नहीं आता, उस पेशेंट्स को नाक से बार बार कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या उस पेशेंट्स को जो है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो हमारी विकृति है उससे हमारा नाक का लुक जो है वो टेढ़ा है या बैठा हुआ है या ड्रूपी है या जो भी प्रॉब्लम है, तो हमें सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत बार एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपको बताता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस DNS के कारण, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको सांस भी अच्छे से आ रहा है, आपका लुक भी अच्छा है, फिर भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो कौन सी सिचुएशन है दोस्तों? वो सिचुएशन है हमारे जो आर्मी एस्पिरेंट जो बंदे हैं, जिनको आर्मी में जाना है, जिनको एयरफोर्स में जाना है, जिनको पायलट बनना है, बिकॉज दे नीड ए एग्जैक्ट मिड लाइन सेप्टम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर। यानी उनको ये चाहिए होता है कि हमारे नाक का जो है दोनों तरफ कैविटी बराबर ओपन होने चाहिए। तो वो वहाँ पे क्या है, नेजल स्पेकुलम से जो है हमारे नोज़ का जो है वो बेसिकली जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर DNS है तो दे रेफर टू द, वो उसको जो है वो रेफर बना दिया जाता है, उसको अनफिट कर दिया जाता है। ये वो एक सिचुएशन होती है जब उस DNS की सर्जरी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर सपोज करो हमें अब सर्जरी की ज़रूरत है तो हमें क्या करना है। दोस्तों,
बात सवाल दिमाग में ये आता है कि अगर मैं सर्जरी कराऊंगा तो मेरे नाक पे तो निशान आ जाएगा, इसमें तो बहुत सारा पेन हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो DNS की सर्जरी है, सबसे पहले हमें एक CT स्कैन करा के ये देखा जाता है कि कितने अमाउंट में DNS है, और उसके बाद उसको एक एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी एक प्रोसीजर, एक सर्जरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्सिस जो पार्ट है उसको हमें, जो एक्सिस पार्ट उस सेप्टम पे फोर्स लगा के उसको टेढ़ा कर रखा है उसको हमें निकाल दिया जाता है, एंड रेस्ट ऑफ जो सेप्टम है उसको मिड लाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है जिससे दोनों तरफ हमारे को बराबर ब्रीदिंग हो जाती है। बहुत बार जो है आगे का जो पार्ट है ओनली वो टेढ़ा होता है, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अगर आप ऐसे फील करते हो तो ये पार्ट दिखता है जिसको हम CSD यानी कोडल सेप्टम डेविएशन, कोडल मतलब सेप्टम का जो आगे का जो फ्रंटल जो पार्ट होता है आगे का उसको हम कोडल पार्ट बोलते हैं, तो उसी का डेविएशन होता है जिससे हमें ये जो कोलोमेला पार्ट एक तरफ चला जाता है और ये जो है वो एक तरफ होता है, तो उसको CSD बोलते हैं। तो इसके कारण भी अनफिट हो, तो इसको भी हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से ठीक किया जाता है, जो इसका एक्सिस पार्ट है उसको ट्रिम कर दिया जाता है और बाकी पार्ट को इसके पीछे मिड लाइन में शिफ्ट करके उसको सूचर कर दिया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें कहीं पर निशान नहीं आता, कहीं से बाहर चीरा नहीं आता, कहीं से पट्टी नहीं होती। सो ये हमें हमारे दिमाग से मिथ हमें निकाल देना चाहिए कि इसमें कोई जो है बाहर से निशान या ऐसा स्कार या ऐसा आएगा। द थिंग्स आर द एंटायर एंडोस्कोपिक बट द इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपने सर्जन से ये अच्छे से पूछ लीजिए कि वो कौन से मेथड से इसको ठीक करेंगे, ठीक है। और क्योंकि बहुत बार क्या है, सर्जरी के बाद अगर आपको टेक्निक गलत है तो हमारे नोज़ का जो सपोर्ट लॉस हो जाता है, तो जैसे हमने पहले की वीडियो में बताया है कि हमारा कई ड्रूपी टिप क्रिएट हो जाता है। सो ये है कि DNS और सर्जरी, कि DNS में कब कब सर्जरी की ज़रूरत होती है और क्या सर्जरी है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी के सर्जरी के माध्यम से। इस सर्जरी के कॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये है करीब 35,000 से लेके और 50 और 80,000 तक भी इसकी कॉस्ट होती है, बट डिपेंड करती है कौन सर्जन ऑपरेट कर रहा है, किस हॉस्पिटल में आप ऑपरेट करा रहे हैं, कॉरपोरेट में है या क्या है सबका, बट अमूमन फिर भी आप जो है वो 45 से 50 तक इसका जो है वो एंटायर एक पैकेज होता है सर्जरी का जो हम ऑपरेट करा सकते हैं। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना होता है, और सर्जरी के बाद के अंदर जो है आप अगर आपको मेडिकल में आर्मी में जाना है तो करीब 10 दिन बाद आप जो है आर्मी के लिए आप जा सकते हैं, आपका मेडिकल फिटनेस हो सकता है। सो दोस्तों आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज रियली यूजफुल फॉर रिगार्डिंग द DNS की क्या मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है। सो यू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द DNS। थैंक यू।